और यहाँ नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक छोटी सी बच्ची को लगा करके हम लोगों को सिखलाइए कि कैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। तो आज आप लोगों को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा करके बताएंगे और आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो आइए, हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने से पहले, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। इसका जो नाम है वह अंशिका नाम है, अंशिका राज, और यह करीब 1.5 साल का है। तो इसको हम टैक्सिम इंजेक्शन देने वाले हैं, वह भी 200 mg। इसमें 250 mg है लेकिन हम इसको 200 mg ही देंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों तक या साथियों तक। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंजेक्शन को लोड कर लेते हैं। तो इंजेक्शन को लोड करने के लिए सबसे पहले हम इंजेक्शन को, जो मेरा पैकिंग है, उसको फाड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि यह जो बच्ची है वह कितना नटखट है और प्यारी सी भी है। इसको जो है इंजेक्शन मेरा जो काम है वह सही से कर रहा है और इसको हम फाड़ेंगे। देख रहे हैं कि आपके नज़रों के सामने में यह खेल रहा है और खेल रही है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं इसका डेट है कि नहीं है। तो इसका जो डेट है वह 2025 तक का है और 19.35 रुपया इसका प्राइस पड़ा है। तो चलिए इसको हम लोड करते हैं। और लोड करने के वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें बबल्स है या नहीं है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए ये सब काम किया जाता है। तो हम इसको 2.5 ml में डाइल्यूट करते हैं। तो मेरा जो इंजेक्शन है उसको 2.5 ml में डाइल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ये जो बच्चा है अभी खेल रहा है और कुछ देर में रोने वाला है। तो इसको हम 2.5 ml क्या करेंगे, 2.5 ml। तो मेरा इंजेक्शन जो है वह मिल चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा इंजेक्शन मिल चुका है। थोड़ा सा इसको पकड़ा, ठीक है, पूरे ना, ठीक है। तो यहाँ हम इंजेक्शन को लोड कर ले रहे हैं। मेरा जो इंजेक्शन है उसको लोड कर रहे हैं। देख रहे हैं कि खुद ही उधर से मेरा इंजेक्शन है वह आ रहा है। तो मेरा इंजेक्शन लोड हो चुका है। इसको हम 2 ml ही लोड किए हैं क्योंकि इंट्रामस्कुलर में और बच्चे में 2 ml देना लाजमी होता है। और यही एक बात ध्यान में रखना कि आपको डॉक्टर की सलाह के बिना अपने से खुद से इंजेक्शन नहीं लगाना है। और किसी भी प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं तो अपने सीनियर से पूछ करके ही इंजेक्शन को लगाएंगे। मेरा जो बबल्स है वह निकल चुका है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें एयर पास हो चुका है और इसको हम अब बच्चे को लगाने वाले हैं। क्योंकि जब से इंजेक्शन लोड हो रहा है अभी भी देख सकते हैं कि यह जो है हंस रहा है। इसको यहाँ देखो, यह जो है यह हंस रही है, यहाँ देख सकते हैं, और खेल भी रही है। तो इसका अंशिका थोड़ा सा हट लाओ। अब अंशिका को इंजेक्शन पड़ने वाला है। देख रहे हैं कि हमको ये डब्बा दे रही है, अब रोने वाली है। ला तो इधर से कॉटन। यहाँ जो देख रहे हैं वो कॉटन हम ले लिए हैं और ये हमसे ही इंजेक्शन मांग रही है, देख रहे हैं। चलो इसको अच्छी करो। रुको ना,
आप देख रहे हैं कि इसको अभी इंजेक्शन तुम इधर दिखाओ, मतलब उधर से ही दोनों को आना चाहिए, पूरे नहीं पूरे नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि बच्चा जो है वह गुस्सा आ रही है। यहाँ देख रहे हैं कि इसको अंदर से बाहर की ओर लेकर जाना है इसको अल्कोहल पैड को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन दे दिया है, इसको इंजेक्शन पड़ चुका है। बाप रे बाप। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।